आपको यहाँ पे मैं इडली का टेक्सचर दिखाती हूँ। देखिए कितनी स्पंजी ये बन गई है, और डोसा भी देखिए कितना जालीदार और क्रिस्पी बन गया है। ये एकदम बढ़िया और टेस्टी व्रत की स्पेशल चटनी, दूध जैसी सफेद और सॉफ्ट इडली, और ये जालीदार क्रिस्पी डोसा। ऐसा ये व्रत का स्पेशल मेनू यानी थाली रेडी है। और अगर आपने अश्विनीज किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। आप अश्विनीज किचन को फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे 2 कप सेमो राइस यानी सामा के चावल हमने लिए हैं। अब इनको अच्छे से धो के लेते हैं। सामा के चावल हमने अच्छे से धो लिए हैं। अब इसमें पानी डालकर ये सामा के चावल को हम 2 घंटे के लिए भीगने देते हैं। यहाँ पे यह आधा कप साबुदाना हमने लिया है। अब इसे भी अच्छे से धो लेते हैं। साबुदाना हमने अच्छे से धो लिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे भी 2 घंटे के लिए भीगने देते हैं। 2 घंटे हो गए हैं और हमारा ये साबुदाना और सामा के चावल अच्छे से भीग गए हैं। अब ये सामा के चावल में से पानी हम निकाल लेते हैं। सामा के चावल में से हमने पानी निकाल दिया है। अब इसे हम मिक्सी के जार में डाल देते हैं। अब ये साबुदाने को डाल देते हैं, ये आधा कप दही और ये थोड़ा सा नमक। अब इन सभी चीज़ों को हम मिक्सी में अच्छे से पीस के लेते हैं। सभी चीज़ों को हमने मिक्सी में अच्छे से पीस लिया है, और देखिए कितना बढ़िया ये इडली और डोसे का बैटर बन गया है। अब इसे हम बाउल में निकाल लेते हैं। ये बैटर को मिक्सी में पीसते टाइम मैंने इसमें 3 चम्मच पानी डाल दिया था। आप भी आपके आवश्यकता के अनुसार इसमें पानी डाल सकते हैं। हमें ये बैटर की कंसिस्टेंसी ना ज़्यादा गाढ़ी ना ज़्यादा पतली, मतलब परफेक्ट ऐसी चाहिए, इसलिए इसमें ज़्यादा पानी बिल्कुल भी मत डालिए। अब ये बैटर के ऊपर ढक्कन रखकर एक 10 मिनट के लिए इसे बाजू में रख देते हैं। ये डोसे इडली के साथ खाने के लिए व्रत की स्पेशल चटनी बना के लेते हैं। अब मिक्स के ये जार में ये फ्रेश नारियल के पीसेस डाल देंगे। यहाँ पे पीनट यानी मूंगफली को मैंने पैन में अच्छे से रोस्ट करके उसकी स्किन निकाल दी है। अब इसे भी हम इसमें डाल देते हैं। हरी मिर्च, ये नमक, अब हम इसमें डालेंगे ये 1 चम्मच दही। अब मिक्सी में हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से पीस के लेते हैं। ये चटनी को मिक्सी में पीसते टाइम आप आपके आवश्यकता अनुसार इसमें पानी डाल सकते हैं। अब वापस इसको मिक्सी में पीस के लेंगे। सभी चीज़ों को हमने मिक्सी में अच्छे से पीस लिया है, और देखिए ये हमारी व्रत की स्पेशल चटनी रेडी है। अब इसे हम बाउल में निकाल लेते हैं। अब ये चटनी को हम तड़का लगा देते हैं। यहाँ पे 1 चम्मच गरम ऑयल में हमने ये आधा चम्मच जीरा डाल दिया है, और देखिए जीरा अच्छे से चटकने भी लगा है। अब इसमें 2 हरी मिर्च भी डालेंगे। व्रत के लिए अगर आपको जीरा नहीं चलता है तो खाली हरी मिर्च का तड़का भी इसे आप दे सकते हैं, या फिर आपने ये चटनी को तड़का दिया ही नहीं तो भी ये चटनी जबरदस्त ही लगती है। अब ये हमारा तड़का रेडी है, ये चटनी में डाल देते हैं। ये हमारी व्रत की स्पेशल चटनी रेडी है। अब ये तड़के को हम ये चटनी में अच्छे से मिक्स करके लेते हैं। सबसे पहले हम इडली बना रहे हैं, इसलिए हम ये इडली के मोल्ड को ऑयल लगा के लेते हैं। सभी ये इडली की प्लेट्स को हमने ऑयल लगा दिया है। 10 मिनट हो गए हैं। अब ये बैटर में हम 1 टेबलस्पून इनो फ्रूट सॉल्ट डाल देते हैं। ये इनो को एक्टिवेट करने के लिए ये थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। अब 2 मिनट ये बैटर को अच्छे से मिक्स करके लेंगे। इनो को हमने ये बैटर में अच्छे से मिक्स करके लिया है। अब इडली की ये प्लेट में हम बैटर डाल देते हैं। इडली का ये मोल्ड हमें पूरी तरह से भरना नहीं है, क्योंकि अगर ये मोल्ड हम पूरा भर देंगे तो ये इडली फूल जाने के बाद एक दूसरे से चिपक जाती है। सभी ये इडली प्लेट्स में हमने बैटर डाल दिया है। ये प्रेशर कुकर में मैंने 1 बड़ा गिलास पानी डाल दिया था, और देखिए पानी को अच्छे से उबाल भी आ गया है। अब इसमें हम ये इडली स्टैंड रख देते हैं। ये ढक्कन की सीटी मैंने निकाल दी है, अब ढक्कन भी लगा देते हैं। अब ये इडली को हम 10 मिनट अच्छे से स्टीम होने देते हैं। 10 मिनट हो गए हैं, गैस बंद कर देते हैं। कुकर का ढक्कन निकालकर उसके अंदर की स्टीम बाहर जाने देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इडली हमारे अच्छे से फूल गई है, कुकर में से स्टीम पूरी तरह से बाहर निकल गई है। अब ये इडली के स्टैंड को बाहर निकलकर ये इडली को पूरी तरह से ठंडा होने देते हैं। ये इडली ठंडी हो गई है, अब हम इनको निकाल लेते हैं। इडली बिल्कुल भी नीचे चिपक नहीं रही है और एकदम सॉफ्ट और स्पंज भी बन गई है। इडली हमारी रेडी है। अब यही सेम बैटर से हम डोसे भी बना के लेते हैं।
गैस पे ये मैंने डोसे बनाने का तवा रख दिया है और तवा अच्छे से गर्म भी हो गया है। सबसे पहले ये तवे के ऊपर हम ऑयल लगा के लेते हैं। यहाँ पे आधा कप पानी में मैंने आधा चम्मच नमक डाल दिया है। अब ये नमक वाला पानी हम ये तवे के ऊपर लगा के लेते हैं। डोसे डालने के लिए अब ये तवा सेट हो गया है। गैस हमने मीडियम फ्लेम पे ही रखा है। तवे के ऊपर हमने ये डोसे का बैटर डाल दिया है। अब ये चम्मच को बिना उठाए एक जैसा गोल गोल घुमाना है। अब इसके ऊपर हम ऑयल या फिर घी लगा सकते हैं। ये ऑयल को अच्छे से स्प्रेड करके लेते हैं। आपको अगर चाहिए तो आप डोसे के अंदर के साइड को भी सेक सकते हैं। देखिए ये डोसा बिल्कुल भी पैन को चिपका नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डोसे को जाली भी आ गई है और वो एकदम क्रिस्पी भी बन गया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। अब इसी तरीके से आप बचे हुए बैटर के डोसे बना सकते हैं। यहाँ पे ये व्रत की थाली हम बना के लेते हैं। आपको यहाँ पे मैं इडली का टेक्सचर दिखाती हूँ। देखिए कितनी स्पंजी ये बन गई है और डोसा भी देखिए कितना जालीदार और क्रिस्पी बन गया है। ये एकदम बढ़िया और टेस्टी व्रत की स्पेशल चटनी, दूध जैसी सफेद और सॉफ्ट इडली और ये जालीदार क्रिस्पी डोसा। ऐसा ये व्रत का स्पेशल मेनू यानी थाली रेडी है।